पश्चिम बंगाल के बंकुरा में एक जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दीदी इस देश के संविधान का अपमान कर रही है, वे देश के प्रधानमंत्री को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जब पश्चिम बंगाल में चक्रवात आया था, मैंने बार बार दीदी से कहा था कि बैठक करें, लेकिन अपने अहंकार के कारण उन्होंने मुझसे बात करना उचित नहीं समझा। जब पश्चिम बंगाल में समुद्री तूफान आया, साइक्लोन आया, तो मैंने उन्हें दो दो बार फोन किया, लेकिन उनका अहंकार इतना है कि उन्होंने देश के प्रधानमंत्री से बात करना उचित नहीं माना। यहां तक कि भारत सरकार यहां के अफसरों के साथ बैठ करके इस साइक्लोन के समय मदद करना चाहती थी, लेकिन दीदी ने उस मीटिंग करने से भी इनकार कर दिया। पश्चिम बंगाल के लोगों के साथ किया गया ये विश्वासघात, ये अहंकार ही दीदी को ले डूबेगा। साथियों, दीदी कितनी परेशान है उसका अंदाजा उनकी भाषा से लगाया जा सकता है। अब वो मेरे लिए पत्थरों की बात करती है, थप्पड़ों की बात करती है। अरे दीदी, मुझे तो गालियों की आदत है, मैं तो डिक्शनरी, दुनिया की सभी डिक्शनरी की गालियों को हजम करने की ताकत अब बना ली है, लेकिन बौखलाहट में दीदी देश के संविधान का भी अपमान कर रही है। आप हैरान हो जाएंगे, वो पब्लिकली कह रही है, वो देश के प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री मानने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन पाकिस्तान के पीएम को पीएम मानने में उन्हें गौरव का अनुभव होता है।